And to present the award, we'd like to invite on stage, Nana, अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. तेरा इश्क है ज़हे नसीब. समीर सर दरवाजा खोलिए, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है. इजाजत मिल गई है क्या? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? नहीं दी मैंने परमिशन, किसी ने नहीं मांगी मुझसे परमिशन. सर गौर मैडम ने तो स्टाफ को यही बताया था. नहीं सर वो मैंने How is she now, doctor? She is well now, but रात को बहुत क्रिटिकल थी. तो हुआ क्या इनको एकदम से? कल सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी. नर्वस सिस्टम का सेवियर अटैक हुआ है इनको. ये तो अच्छा है कि आपके घर वाले इनको बर वक्त हॉस्पिटल ले आए, वरना इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था. नर्वस ब्रेकडाउन? लेकिन लेकिन इज इट पॉसिबल डॉक्टर साहब के इतनी सिवियर कंडीशन डेवलप हो जाए ऐसे बैठे बैठे? बैठे बैठे नहीं, इनको हाइपरटेंशन का मुस्तकिल इशू है. मगर बहरहाल आपको अपने स्टाफ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बर वक्त इनको यहाँ पहुँचाया, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता. जी ठीक है. Thank you, doctor. Nurab? जी सर. वो मिस कार कहाँ है? वो तो चलेगी. गौर, लिसन, आई वांट हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग. गौर, गौर, लिसन टू मी. नो, यू लिसन टू मी मिस्टर. अभी अभी मैं आपकी नौकरी छोड़ के उतरी हूँ, इसलिए आप मुझ पे दोष जमाने के हकदार नहीं रहे. दूसरी बात, मुझे आपकी माँ की खिदमत करने के लिए रखा गया था, इसलिए मैंने जो बेहतर समझा वो किया. इतनी परवाह थी तो कल रात कहाँ थे आप? जब पूरी रात मैं आपका दरवाजा पीटती रही लेकिन आपने पलटकर जवाब तक नहीं दिया, क्या ये होता है एक बेटे का फर्ज? Okay, you need to relax. Let me complete first. इस वक्त जो थप्पड़ आपने मेरे मुंह पर मारा है ना, अगर कल रात अपनी माँ की हालत देख लेते तो वो थप्पड़ अपने मुंह पर मार रहे होते अभी आप. लेकिन नहीं, शायद इस बार मैं गलत हूं. आपको तो गुस्सा इस बात पर आया था कि किसी ने आपकी इजाजत के बगैर कैसे डिसीजन ले लिया, वरना आपकी मां मरे या जिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे बारे में अभी आप जानती क्या है मिस कौर? वाह प्यारे, महीने भर में इतनी तरक्की कर ली कि लड़कियों से रिश्ते तक शुरू, क्या बात है. एक हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ, ऐड कर ले
लिफ्टी नहीं कराती, ये देख ये देख। कौशल पर भी क्या हो गया? मैंने कौन सा लतीफा सुना दिया? अरे भाई उसकी डीपी लगा के रखी हुई है तेरी उस नेक परवीन ने। अबे ये निकाब लिए बैठे, ये कैसे हो गया? ये सोशल मीडिया की दुनिया है, वो भी झूठ। जितनी भी ऐवी लड़कियां या लड़के होते हैं ना, उतनी वीआईपी टाइट करके डीपी लगाते हैं, जैसे तेरे भाई ने लगाई हुई है इमरान अब्बास की। यार एक हफ्ते से मिन्नत किए जा रहा हूँ कि भाई दोस्ती कर ले, दोस्ती कर ले। अपनी जो गौर है ना, वो है शहजादियों की शहजादी। अरे ये सब के सामने बेकार। इसे कहते हैं होश ठिकाने आना। बिल्कुल, दो बिस्किट तो लेकर आ यार। सर सारी अरेंजमेंट हो चुकी हैं और कल तक मैडम को डिस्चार्ज भी कर देंगे। गुड, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त कौन कौन है मामा के साथ हॉस्पिटल में? सर वहाँ पे नूरा मौजूद है और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। सर आप किसी और को भेजना चाह रहे थे क्या? कोई और नर्सेज, मेडिकल स्टाफ वगैरह? ठीक है, थैंक यू। ओके सर। मैडम जूस। क्या सोच रही हो तुम? सोच नहीं रही हूं, देख रही हूं। अरे भाई क्या देख रही हो तुम? ये जो सामने तुम बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसमें समीर एहसान की ऑफिस है, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती हूं।
मुझे आपकी माँ की खिदमत करने के लिए रखा गया था, इसलिए मैंने जो बेहतर समझा वो किया। इतनी परवाह थी तो कल रात कहाँ थे आप? जब पूरी रात मैं आपका दरवाजा पीटती रही लेकिन आपने पलटकर जवाब तक नहीं दिया, क्या ये होता है एक बेटे का फर्ज? नहीं पीना दूध, क्या बदतमीजी है ये? शाकरा ले जाओ इसे तहखाने में। नाम नहीं लोगे तुम, चली गई है वो तुम्हें मेरे हवाले करके। शाकरा अम्मी ले जाओ इसे तहखाने में। अम्मी शाकरा अब अपनी माँ का नाम नहीं लोगे तुम। उन जानवरों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें उनसे भी बड़ा जानवर बनना है। तुम्हारा नाम क्या है? समीर। तुम्हारा? समीरा। तुम्हारी समीरा? मैं तबाह हुआ, मैं फना हुआ, मेरा रोम जल के सुआ हुआ, तड़प मेरी कुछ और चली, तड़प मेरी कुछ, तड़प मेरी कुछ, तड़प मेरी कुछ और चली। समझो हमारी मजबूरी को, तुम्हारी रुखसती हमारे सर पे खड़ी है और हमारे सर पे उनके लाखों रुपयों के कर्जे का बोझ। कॉलेज का नाम लेकर कहां जाती है वाला गर्दी करने? अरे, अरे। समीर सर दरवाजा खोलिए, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई दर्द हो, कोई मीर हो, ना कोई मुझसा फकीर हो, मैंने दी थी आपको इजाजत। नहीं सर, वो मैंने
डैड, मैंने दूसरी वाली कंपनी के सारे अकाउंट्स बंद कर दिए आज. आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगी, एक दफा उसको फाइनल रिव्यू दे दिएगा. यू मीन फरहान की कंपनी के? फरहान का जिक्र आप कहां से बीच में ले आए? तुमने खुद इनडायरेक्टली फरहान की कंपनी के हवाले से उसका जिक्र किया है. डैड, मैंने आपको कितनी दफा मना किया है, उसका जिक्र मेरे सामने मत क्या करें, मुझे अजियत होती है. आप जान जान के उसकी बात कहीं ना कहीं से बीच में ले ही आते. मैं उससे रिलेटेड हर बात भुला चुकी हूं, चाहे वो बिजनेस है या चाहे उसकी यादें, वो सब कुछ मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूं. मगर आप फिर भी कहीं ना कहीं से उसकी बात लेकर आके मुझे मेरे कमजोर होने का, मेरे मजदूर होने का एहसास दिलाते हैं. मैं कैसे अपनी बेटी को उसकी मजदूरी का एहसास दिला सकता हूं? सच सुनना चाहती हो तो सुनो. तुमने जहनी तौर पर खुद को एक जजीरे में कैद कर दिया है, सबसे बेजार और लाताल्लुक होकर कैसे इस कैदखाने में अपनी जिंदगी बसर कर सकोगी? मैं किसी कैदखाने में नहीं हूं और मैं किसी चीज से बेजार नहीं हूं. आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें. अगर आप कुछ कर सकते ना, तो आप प्लीज उस शख्स का जिक्र मेरे सामने मत किया करें, प्लीज. मैंने माना मैं माजूर हूं, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल ना सकूं. तो बराए मेहरबानी आप हर दिन हर रोज मुझे मेरी कमजोरियों का एहसास दिलाना बंद कर दें डैड, प्लीज. तुम्हें किसने बुलाया यहां पर? मैंने बुलाया कल की मीटिंग का प्लान डिस्कस करने के लिए. आप लोग करें डिस्कशन. आई एम नॉट इन माई राइट फ्रेम ऑफ माइंड. आप बैठो. चलिए ठीक है बाबू, आप एक काम करें, आप गाड़ी ले जाएं घर, देख लीजिएगा अगर मामा को कुछ चाहिए तो. ठीक है सर. समीर एहसान, समीर एहसान ही हो ना तुम? आखिरकार ढूंढ लिया मैंने तुम्हें. I'm sorry, do we know each other? तुम शायद मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ. कातिल हो तुम! क्या हो गया आपको? छोड़ा तुमने? अरे क्या कर रहे हो? What are you doing? कातिल हो तुम! कत्ल किया है तुमने, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें. बदला लूंगी मैं, ले जाइए, फांसी लगवाऊंगी तुम्हें. दुनिया ऐसी नहीं थी पहले, जिंदगी से भरपूर थी मेरी बेटी. घर में हर वक्त इसका कह गूंजते थे. एक अजीब खुशगवार रौनक होती थी घर में. उन
उनकी बीमारी, आई मीन उनकी हालत कैसे? सब कुछ ठीक था 4 साल पहले तक। दुनिया की उसके कजिन फरहान के साथ दोनों की मर्जी और पसंद से एंगेजमेंट कर दी गई थी। दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद वो एब्रॉड जाकर कहीं सेटल होना चाहते थे। फिर अचानक दुनिया के दोनों पैर और लोअर लिम्स की मसल्स ने काम करना छोड़ दिया। शायद मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। बहुत इलाज करवाया, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से भी बेहतरी के आसार नजर नहीं आए। शुरू शुरू में तो फरहान ने अच्छा साथ दिया, लेकिन बेसिकली वो एक करियर ओरिएंटेड लड़का था, फुल ऑफ एम्बिशंस। यूएसए में एक अट्रैक्टिव जॉब और नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। वो दुनिया का ज्यादा देर साथ नहीं दे सका और एक दिन चला गया। मुझे उस कमबख्त से कोई शिकायत नहीं, लेकिन दुनिया ने इन सब बातों का असर लेकर खुद को और खुद से वाबस्ता लोगों को सजा देना शुरू कर दी। मैं जानता हूं कि लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट मजरूह करके वो खुद भी इत्मीनान से नहीं रहती, बल्कि अंदर से अज़ियत महसूस करती है, क्योंकि वो ऐसी कभी नहीं थी। तुम बहुत ओबीडियंट और डिसेंट लड़के हो, मैं तुम्हारे लिए भी बहुत अफसोस महसूस करता हूँ। सर प्लीज सर, हाँ मेरे लिए फिक्रमंद ना हो, मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ हार चुका हूँ कि अब शायद मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बची हारने के लिए, लेकिन मैं सरवाइव कर जाऊंगा सर, मुझे सरवाइव करना होगा क्योंकि मेरे सर पे बहुत सी जिम्मेदारियां सर। सर मुझे इजाजत। रुको, मैंने तुम्हारा लोन अप्रूव करके फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट भिजवा दी है, जिम फाइनेंस से मिलते हुए जाना। थैंक यू सर, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। यू वेलकम। ये लोन तुम्हें किसी सिफारिश या फेवर की वजह से नहीं मिला है, तुम्हारे कंडक्ट और टैलेंट की वजह से दिया गया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्या हो गया आपको छोरे? तुमने अरे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? काटे लो तुम। मंगनी और शादी का मतलब समझते हो? 24 घंटे का साथ। तुम किसी लड़की को 24 घंटे का साथ दे सकते हो क्या? She makes me happy. जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की? उसे मर जाना चाहिए।
मैं तो ये देख के हैरान हूं, ये सब इंतजाम इतनी जल्दी हुआ कैसे? मैंने हमसे कहा था ना सब हो जाएगा, अब बस आप इन पैसों से अपने सारे अरमान पूरे करें। लेकिन भाई इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाओगे? हाँ, किन शरायत में मिला तुम्हें इतना कर्जा? कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स की तरह मेरी सैलरी में से कटता रहेगा। और मेरी फिक्र मत करो ना, ससुराल जाने की तैयारी करो, बल्कि दुबई जाने की तैयारी करो। भाई मुझे भी नया यूनिफॉर्म लेना है। अच्छा भाई मेरे पास है यूनिफॉर्म, मुझे तो शादी की शॉपिंग करनी है, हर मार्केट और वो भी बहुत सारी। अच्छा शादी की शॉपिंग और बहुत सारी, चलिए इनकी फरमाइश भी पूरी कर दीजिएगा। तुम लोग लिए तो है जो मर्जी करना इसके साथ। चलो अभी पढ़ाई करो, चलो शाबाश। दो तीन मामला उसको ब्याह करके यहां से ले जाओ, हमारी जान छुट जाए इससे। समीर साहब की मंगेतर की डेथ हो गई। सोया बीबी शाम को समीर साहब को लेने आ गई कि खाने पे चलो। तेरा इश्क है जहे नसी। बोल मार, बोल मार। आगे निकाल, आगे निकाल। कल बोल बोल बोल। धोखा हुआ तुझे? अबे ओ तेरे गोभी की आंखें खराब नहीं है कि सड़क पार तेरी गोहर को ना देख सके? अरे पूरे एरिया में मैं तो ताड़ू जो लड़कियों पे नजर रखता हूँ। वो बंद रख अपना तू ताड़ू। अरे लेकिन वो अकेली इतनी बड़ी कार में क्यों होगी, कहाँ जा सकती सुबह सवेरे? अरे ताड़ू बॉस को तंग नहीं कर, बॉस ऑफिस की गाड़ी होगी, ऑफिस गई होगी। अरे बुशरा आप ही के दफ्तर से वो वैगन आती है, मैंने खुद देखा है, कुछ शाम को वापसी आती है। ये बड़ी गाड़ी दफ्तर वाले क्यों भेजेंगे? अब इस बात का जवाब भी हम दें क्या? नहीं गूगल से पूछो जाके। चल जांगीर जानी गोहर के पास चलते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ। ऐसी नहीं थी पहले, जिंदगी से भरपूर थी मेरी बेटी, घर में हर वक्त इसके कह कह गूंजते थे, एक अजीब खुशगवार रौनक होती थी घर में।
अरे जहांगीर। सलाम वाली। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। कैसे हो तुम? अरे तुम्हारी अम्मा साथ नहीं आई, अकेले आए हो? अरे मामी, मैं रास्ते से गुजर रहा था, सोचा सलाम करते हुए जाऊं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। उमानी, मामू जान दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे मामू जरा बाहर गए हैं, आते होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, अच्छी सी है। और ये जकिया भाभी कहाँ है? जकिया वहाँ अंदर बैठी है, कपड़े सिलाई कर रही है। मैं मिल लेता हूँ। अरे मिल लो मिल लो मिल लो, जाओ। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो दामाद जी आए हैं, क्या बात है। कभी हमारे लिए भी कोई अच्छा सा तोहफा ला दिया करो भैया। भाभी हुक्म करो, तोहफा तो बहुत छोटी चीज है। अब हमें क्या पता, हाँ कौन सी गाड़ी में जाती है, कौन सी गाड़ी में आती है। वैसे सुनो, दफ्तर के पहले दिन जब आई थी ना, तो बहुत बड़ी गाड़ी में आई थी। इन्होंने तो खूब सुनाई बहन को, उसके बाद लेकिन घर में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अरे तो उसके बाद सलीम भाई ने पूछा नहीं कि वो दफ्तर कैसे आती जाती है? अरे उनके अपने झमेले ख़त्म नहीं होते, तुम्हें तो पता है, सुबह उठते ही और दफ्तर चले जाते हैं। और आजकल वो नहीं है, वो सालाना ऑडिट, वो भी चल रहा है कोई, उन्हें क्या पता हैं? बहन पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। वो तो मैं पता लगा ही लूंगा भाभी, सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। तुम्हें तो पता है ये बहने कहां मुझे मुंह लगाती हैं। बुशरा जब यहाँ पे होती थी ना, तो ये दोनों रोज शाम को यहाँ बालकनी में ना किटर पिटर करती रहती थी। उसने तो हमारी जान छोड़ दी, अपने घर की हो गई, ये अभी तक हमारे गले में पड़ी। मैं तो तुम्हें कहती हूँ, दो तीन मामला उसको ब्याह करके यहाँ से ले जाओ, हमारी जान छुट जाए इससे। फिक्र मत करो भाभी, ये भी हो जाएगा। अरे पहले इस मामले का खोज तो लगा लेने दो। अरे मामी, लो बेटा चाय। नाराज है क्या मामी? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। घर नहीं आए आप? घर के कामों से ही फुर्सत कहाँ मिलती है। आ जाए ना कभी कभी। मेरे काम से फुर्सत ही काम मिलती है, सारे काम तो मैं करती हूँ, देख नहीं रहे? सारे काम मुझसे कराती हैं, कोई ड्रामा भी नहीं देखा अभी तक। नूरा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो लड़की समीर साहब को खड़े खड़े इतना सुना के चली गई, समीर साहब ने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जब से समीर साहब की मंगेतर जोया बीबी का इंतकाल हुआ है, इस घर में रोज ना रोज कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। समीर साहब की मंगेतर की डेथ हो गई, कैसे? मैं कैसे जान सकती हूँ, वो बड़े घर की लड़की थी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जोया बीबी और समीर साहब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन
जया बीबी को समीर साहब की बात बहुत अजीब लगती थी कि वो मुंह अंधेरे घर में आ जाते थे और कमरे में बंद हो जाते थे। इसी बात को लेके दोनों में बहस रहती थी। इसका मतलब कि समीर साहब शुरू से ही ऐसे। एक दिन बहुत बहस हुई, जोया बीबी शाम को समीर साहब को लेने आ गई कि खाने पे चलो, मगर वो मुझे बात ये है कि जब वो लेने आई ना नूरा।